गुड आफ्टरनून टू ऑल। ये देखिए हमारा आज का टॉपिक है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, पेपर थर्ड, यूनिट थर्ड। सबसे पहले हम जानेंगे अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या है। ये देखिए, इससे अभिप्राय उन दशाओं से होता है जो मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य करने में अक्षम होने, किसी के द्वारा बोली गई बात को समझने में अक्षम, ठीक है, योग्य, किसी के द्वारा बोली गई बात को समझने के योग्य न होना, बोलने में असमर्थ, ठीक है, बोलने में कठिनाई महसूस करना, लिखने में असमर्थ होने, शब्दों को ठीक प्रकार से न देख पाने के कारण, पढ़ने में असमर्थ होने, बोलने में असमर्थ होने, लिखने में असमर्थ होने, गणितीय संख्याओं में कठिनाई से संबंधित है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, बच्चा पढ़ ठीक से नहीं पाता, सुन ठीक से नहीं पाता, या फिर उसको एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाता। ये चीज हमने किसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसफेजिया, ठीक है, वो सब क्या थी, अधिगम अक्षमता, वो सभी अधिगम अक्षमता थी। आगे देखेंगे, ऐसा बालक जो उपरोक्त दशाओं में से किसी एक या एक से अधिक कारणों से अधिगम में परेशानी का सामना करता है या पूरी तरह अक्षम है, सक्षम है, मतलब पूरी तरह ही क्या है वो, ये सब बातें उसमें हैं, तो उसे अधिगम निर्योग्य बालक कहा जाएगा। अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की पहचान कैसे करेंगे? अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की पहचान देखिए, इस प्रकार के छात्रों की पहचान, छात्र उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाता, यद्यपि उसके मौखिक उत्तर बुद्धिमत्ता पूर्ण होते हैं, वह बोलकर तो अच्छे से बता देता है परंतु वो उस चीज को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, वर्तनी में मतलब गलतियां करता है, शब्दों के अक्षर को सही क्रम में नहीं लिखते या शब्दों के कई अक्षरों को लिखते समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार के छात्र संख्याओं में लिखने में गलतियां करते हैं, जैसे 12 को क्या लिख देगा वो, 21 लिख देगा, 89 को 98 लिखना, ये है, ठीक है, ये किस तरह की है भाई, ये लिखना, ये यहाँ पे क्या है, 12 को अगर 21 लिखता है तो ये कैसी अक्षमता है, डिसग्राफिया, ठीक है, लिखने संबंधित है, डिसग्राफिया है। अगर वो क्या है, पढ़ता इनको गलत है, 12 लिखा हुआ है, बच्चा पढ़ता इसको क्या है, 21 पढ़ता है, या 89 को 98 पढ़ता है, तो वो क्या है, पठन संबंधी विकार है, और पठन संबंधी विकार क्या होता है, डिसलेक्सिया, ठीक है। मन उचाट रहना, समय सारणी के अनुसार कार्य न कर पाना आदि समस्याएं होती है, सदैव मलिन रहना, गृह कार्य को विलंब से करना, कक्षा में देरी से आना आदि मतलब आदतें पाई जाती है, चतुर प्रतीत होने पर होने में कोई भी शारीरिक दोष न होने के बावजूद, मतलब बच्चा दिखाई ठीक ठाक दे रहा है, पढ़ाई में कमजोर होना है, परीक्षा का निष्पादन ठीक से नहीं कर पाना, मतलब परीक्षा में एग्जाम में अच्छे नंबर न आना। फिर देखिए, कभी कभी इतना अधिक उत्तेजित हो जाता है जो बच्चा है, कभी कभी इतना अधिक उत्तेजित हो जाता है कि वह किसी भी कार्य को कर पाने में असमर्थ है, वो मतलब हद से ज्यादा सक्रिय रहता है, एक्टिव होता है, तो क्या है, किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होता है। पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना, शब्दों में निहित अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ना, शब्द और ध्वनि के बीच साम्य स्थापित करने में कठिनाई होना, शब्दों के उच्चारण में कठिनाई, मतलब शब्दों को बोलने में कठिनाई, ये सब थी, ये सब है क्या है, अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की पहचान है। फिर ये किस कारण से होती है भाई, अधिगम अक्षमता किस कारण से आती है और ये इसके क्या क्या लक्षण है, देखिए, अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, शिक्षार्थी से संबंधित कारक जो अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये देखिए, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ न होना, जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वे सीखने में अधिक रुचि लेते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल पूरी तरह से ना किसी तरह की टेंशन है, अच्छा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो वो क्या है, इंटरेस्ट के साथ किसी भी चीज को सीखता है। सीखने से पहले बालक का शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी नितांत आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है भाई।
किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति, शारीरिक रुग्णता तथा मानसिक तनाव का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के अधिगम पर प्रतिकूल पड़ता है। बिल्कुल, अगर वह मानसिक विकृति से ग्रस्त है, कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम है उसको, शारीरिक रुग्णता, शारीरिक रूप से मतलब रुग्णता होता है, कमजोर है, ठीक है, ठीक नहीं है, और क्या है, मानसिक तनाव, किसी भी तरह की कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, तो क्या होगा, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, उसके अधिगम पे, लर्निंग पे। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक शीघ्र ही थक जाते हैं। देखिए, जैसे हम भी ये सोचते हैं, जब हम बीमार होते हैं तब हमारी इच्छा किसी कार्य को करने की नहीं होती है, तो सामान्य स्वास्थ्य वाले विद्यार्थियों की तुलना में शीघ्रता से सीखते हैं। जो बिल्कुल स्वस्थ बच्चे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ बच्चे होते हैं, वह रोगी जो जिनकी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, उनकी अपेक्षा बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। फिर देखिए, मैच्योरिटी लेवल, परिपक्वता, अधिगम की परिपक्वता को बालक की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता अधिक प्रभावी बनाती है। छोटी कक्षाओं में अगर हमें सीखना अच्छे से है, तो हमारी शारीरिक रूप से भी हम ठीक होने चाहिए और मानसिक रूप से भी मैच्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। छोटी कक्षाओं में बालक की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है, ताकि वे कलम किताब आदि को पकड़ना सीख जाएं। क्यों, ज्यादा उनके एक्टिविटीज होती हैं, खेल मतलब गेम्स वगैरह करवाए जाते हैं, ताकि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ बने और शारीरिक रूप से भी, ठीक है, ताकि वो आगे चलकर अच्छा सीख सके। उन्हें व्याकरण एवं पहाड़े, टेबल वगैरह आदि का ज्ञान भी इसी दृष्टि से बाद में करवाया जाता है। यदि शारीरिक व मानसिक परिपक्वता न हो तो सीखने में समय और शक्ति का नाश होता है। कल्सनिक के अनुसार, देखिए कल्सनिक के अनुसार, परिपक्वता और सीखना पृथक क्रियाएं नहीं है, वरने एक दूसरे पर निर्भर है। जब मैच्योरिटी होगी तो बच्चा अधिक इंटरेस्ट के साथ सीखेगा और अच्छे से सीख पाएगा किसी भी चीज को। सीखने की तत्परता मतलब कि एक एक्साइटमेंट क्या है, कितनी है हमारे अंदर किसी भी चीज को सीखने की। बालकों को नया ज्ञान देने से पूर्व यह नितांत आवश्यक है कि उनसे सीखने के प्रति तत्परता उत्पन्न की जाए, मतलब एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए बच्चे के अंदर, कि वो एक्साइटमेंट उसके अंदर बनाई जाए कि वो उस चीज को सीखे, ठीक है, उसके मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट बच्चे को बताओ अपने टॉपिक से रिलेटेड, तभी वो तैयार होगा उस चीज को सीखने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा होने पर विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी बात को सीखने में सफल हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा एनवायरमेंट भी ऐसा नहीं है, फिर भी बच्चे में इंटरेस्ट है सीखने का, तो भी वो सीख लेता है। उसके पास चाहे सोर्स हो, सोर्स की कमी है, एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, तो भी वो सीख लेगा, अगर उसमें सीखने की तत्परता है, सीखने का इच्छुक है, ठीक है, लगन है। सीखने की इच्छा के अतिरिक्त छात्रों का आकांक्षा स्तर भी उच्च कोटि का होना चाहिए, जिससे कठिन तथ्यों को भी आसानी से समझ सके। जब तक हम किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक हम उसे नहीं सीख पाएंगे। थॉर्नडाइक ने बताया कि यदि हम में किसी कार्य को सीखने की तत्परता है, मतलब एक्साइटमेंट है, तब हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं। इसके विपरीत यदि हम दबाव देकर कोई कार्य सिखाया जाए, अगर किसी कार्य को सीखने के लिए प्रेशराइज किया जाए, तब हम उसे नहीं सीख पाते, क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रेशर है, ठीक है, एक बार हमने समझ भी लिया तो उसको हम भूल जाएंगे, स्थायी ज्ञान नहीं रहेगा, वो परमानेंट नॉलेज नहीं रहेगी हमारी। तत्परता में व्यक्ति की में निहित उन सभी विशेषताओं का योग शामिल होता है जो सीखने को आगे बढ़ाती है अथवा पीछे धकेलती है, ठीक है। ये थी भाई सीखने के प्रति तत्परता, एक्साइटमेंट कितनी है बच्चे के अंदर। अनुभवात्मक पृष्ठभूमि, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, मतलब जो हम सिखा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे को पहले से कितना पता है, कितना क्या सीखा है उसने। अधिगमकर्ता की अनुभविक पृष्ठभूमि उसके सीखने को प्रभावित करती है। इसमें वे अनुभव शामिल होते हैं जो नए अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। वह बालक जिसे वस्तुओं अथवा चित्रों को संकेतों के साथ सहचारित करने का अनुभव न हो, भले ही उसकी शारीरिक परिपक्वता व सामान्य मानसिक योग्यता स्तर पर्याप्त हो, चाहे वह मैच्योरिटी हो उसके अंदर, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, सभी तरह से वो ठीक ठाक है,
बच्चा फिर भी क्या होगा, पढ़ने के लिए तत्पर नहीं होगा। जिन बालकों में प्रारंभिक अंकों की संकल्पना विकसित नहीं हुई और मूर्त अंकों की समझ न हो तो वह अंक गणितीय अधिगम भी धीमी गति से सीखेंगे। ठीक है, यदि छात्र किसी विषय में पिछड़ा है, मतलब पिछड़ चुका है बच्चा, तो उस विषय से संबंधित नवीन ज्ञान सीखने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है भाई, फर्स्ट से बच्चा सेकंड क्लास में गया परंतु वो मैथ में कमजोर है, तो आगे चलकर भी वहां पे भी उसमें उस नए जो चीज उसके सामने आएगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, वो वहां पे क्या करेगा, कमजोरी का ही प्रदर्शन करेगा, अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो मतलब उसका बेस अच्छा बना होना चाहिए। यदि किसी छात्र की एक विषय में शैक्षणिक योग्यता सामान्य से अधिक है तो छात्र इस विषय में ज्ञान सुगमता से सीख लेता है। अभिप्रेरणा स्तर, मोटिवेशनल लेवल देखिए। मोटिवेशनल लेवल भी बच्चे को पेरेंट्स ने, टीचर ने कितना मोटिवेट किया है सीखने के लिए। एक तो हम बच्चे को ये बोल दे कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल चीज है, ये आपसे नहीं हो पाएगी, फिर भी चलो आप देखो करने की कोशिश करो, तो वो क्या है, मोटिवेशनल लेवल उसका कम है। अगर हम बच्चे को ये कहे कि आप बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बहुत अच्छे से आप कर लोगे, बहुत बढ़िया कर लोगे, तो वो क्या है भी मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरित है बच्चा वहां से। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी काम को समझ लो, चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी हो, अगर हमें मोटिवेशन अच्छा मिलता है, ठीक है, तो तभी हम उस काम को कर सकते हैं। अगर पहले ही हमें कोई ये कह दे नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, आपके बस की बात नहीं है, तो वो क्या है कि हमारा मनोबल वहीं से टूटना शुरू हो जाता है। प्रेरक बालकों को नई बातें सिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, यदि बालक को किसी नवीनतम ज्ञान अथवा कार्य को सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता तो वह उस क्रिया में रुचि नहीं लेगा। ठीक है, उसके मन में पहले से ही दिमाग में ये बैठ जाएगी, शायद मुझसे ये नहीं होगा तो मैं इंटरेस्ट भी क्यों लूं, वो अंदर से ही उसमें मतलब उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। अभिप्रेरणा से सीखने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि बालक को उसका लक्ष्य स्पष्ट कर दिया जाए। यदि अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र नए पाठ को सीखे तो वह प्रशंसा, ठीक है, प्रोत्साहन, प्रतिबद्धता आदि विधियों का प्रयोग करके उन्हें प्रेरित करे। ठीक है, अधिगम पठार में एक ऐसी स्थिति आती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं होती, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, ठीक है, लर्निंग में। तो यह कैसी स्थिति, इस स्थिति को क्या कहेंगे हम, ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है, इस स्थिति को क्या कहेंगे, अधिगम पठार कहलाती है। जब किसी भी तरह की लर्निंग में किसी भी तरह की कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती तो क्या कहेंगे, अधिगम पठार। सीखने की अवधि में पठार कुछ घंटों, दिनों, सप्ताह या महीनों तक रह जाते हैं। अधिगम पठार के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक सीमा, गलत पद्धति, अगर टेक्निक सही नहीं है, प्रेरणा का अभाव, मोटिवेशन अच्छा नहीं है, गलत क्रम में सिखाया गया है, जैसे बहुत मुश्किल चीज पहले सिखा दी, फिर आसान चीज सिखा रहे हैं, फिर मुश्किल, तो वो क्या है, गलत क्रम हो जाता है। अभ्यास का अभाव, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सामग्री का एकांकीपन या त्रुटियों का स्थानांतरण, ठीक है, आगे से आगे गलतियां करते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अधिगम पठार की स्थिति हमें देखने को मिलेगी, मतलब हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव नहीं होगा, उसमें किसी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं देखी जाएगी। पठार को दूर करने के लिए शिक्षण विधि में परिवर्तन, जो हमारी टीचिंग टेक्निक्स हैं उसमें परिवर्तन आना चाहिए। बच्चों के मेंटल लेवल को जानना चाहिए, क्यों समझ में नहीं आ रहा, कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, इस चीज को जानना पड़ेगा। प्रेरणा तथा उद्दीपन, पाठ्य सामग्री का पुनर्संगठन, ठीक है, कार्य में परिवर्तन तथा विश्राम आदि आयामों का सहारा लेना चाहिए। मतलब के बीच में बच्चों को क्या करना चाहिए, रेस्ट करने देना चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका है शायद दिमाग पे, तो आगे क्या है, हमारा दिमाग उस चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या है, इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी, तो वहां पे क्या है, विश्राम की जरूरत होती है, हमारे जो पढ़ाने का या टीचिंग का किसी भी चीज को हम सिखा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए अभिवृत्ति या प्रवृत्ति, बौद्धिक स्तर के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति। इसके द्वारा अधिगमकर्ता अधिगम कार्य को सीखता है। सक्रिय एवं
आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी तीव्र गति से सीखता है। मतलब अगर हम किसी चीज को सीखने के लिए एक्टिव होंगे, ठीक है, तत्पर होंगे, तो क्या होंगे भाई, जल्दी से सीख जाएंगे। जब निष्क्रिय है एक बेमेल से सीखने पर सीखने की गति अत्यंत धीमी पड़ जाती है। क्या होता है निष्क्रिय, मतलब बिल्कुल हमें कोई ना इंटरेस्ट है, ना उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो आलस है हमारे अंदर, ठीक है ना, हमारे कुछ समझ में आ रहा है तो ना हम पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, सीखने की गति वहां से वैसे ही धीमी पड़ जाती है। यदि किसी विषय के प्रति छात्र की नकारात्मक अभिवृत्ति है कि भाई ये विषय तो मेरे को समझ में आएगा ही नहीं, अगर पहले से हमने अपने दिमाग में ये छवि बना रखी है उसकी, तो शिक्षक चाहे जितना परिश्रम करे छात्र के अधिगम में उन्नति होने की संभावना नहीं है, ठीक है। इसके विपरीत सीखने वाले की किसी विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है तो वह सरलता से उस विषय को सीख जाता है। कि विषय के प्रति सीखने वाले का रुझान बहुत अधिक महत्वपूर्न होता है, ठीक है। इस पूरी बात का एक ही मतलब है भाई, कोई टॉपिक है या फिर कोई सब्जेक्ट है उसके प्रति अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी पहले से ही नकारात्मक सोच है, नेगेटिव है, तो वो हमें नहीं समझ में आएगा। अभिशमता एक जन्मजात प्रतिभा होती है जिसे अवसरों या प्रशिक्षण ट्रेनिंग के द्वारा विकसित किया जा सकता है। व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की अभिशमताएं होती हैं, जैसे कलात्मक, यांत्रिक, संगीतात्मक, देहिक या वैज्ञानिक इत्यादि। हमारे मतलब अभिशमता मतलब कि किसी भी स्किल के हमारे अंदर स्किल होता है कोई ना कोई, चाहे वो कलात्मक हो या संगीतात्मक हो या डांस वगैरह करने का हो, कुछ भी, कोई भी, कोई ना कोई आर्ट हमारे अंदर होती है। पर उस आर्ट को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है भाई, अवसर, हमें मौका मिलना चाहिए और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उसको निखारने के लिए। इन अभिक्षमताओं की तीव्रता भी अलग अलग होती है। जिस विद्यार्थी में जो अभिक्षमता जितनी तीव्रता के साथ विद्यमान होगी वह उस प्रकार के अधिगम को उतनी ही तीव्र गति से सीख लेगा। जिस चीज में वो तो सिंपल सी बात है भाई, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, एक बच्चे का मैथ स्टार्टिंग से ही अच्छा है, ठीक है, या साइंस सब्जेक्ट उसका स्टार्टिंग से ही अच्छा है, तो वो उस चीज में इंटरेस्ट लेगा और उसको अच्छे से सीख लेगा, उसको अवसर मिले उस चीज को शो करने का, ट्रेनिंग अच्छी मिले, कोई स्किल है, डांसिंग स्किल है, या कोई मतलब वो गाना अच्छा गाता है, तो वो क्या होगा, उस चीज को अच्छे से सीख लेगा। बुद्धि, बिल्कुल इंटेलिजेंस ही हमारी अधिगमकर्ता की बुद्धि अधिगम पर पर्याप्त प्रभाव डालती है। जिन बालकों की बुद्धि तीव्र होती है, मतलब आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, तो वे तीव्र गति से सीखते हैं, ये तो सिंपल सी बात है भी, वो जल्दी सीख जाते हैं। तथा जिन बच्चों की बुद्धि अल्प होती है वे धीमी गति से सीखते हैं। तीव्र बुद्धि वाले कारक सीखी हुई विषय वस्तु को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, जबकि मंद बुद्धि वाले बच्चे शीघ्र भूल जाते हैं। उनकी जो नॉलेज होती है मंद बुद्धि बच्चों की क्या होती है कि भाई परमानेंट नहीं होती, जल्दी भूल जाते हैं। बालक किसी भी क्रिया को सीखने का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इस दृष्टि से बालकों की रुचि, इंटरेस्ट, योग्यता, क्षमता, व्यक्तिगत भेद, ठीक है, तथा बुद्धि आदि के आधार पर संपन्न की गई क्रिया प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार है, इसलिए इसके अभाव में अधिगम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या है कि भाई बालक के अंदर उसके सीखने के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि कितनी कैपेसिटी है उसकी, व्यक्तिगत भेद, ठीक है, वो किस तरह का बच्चा है, ठीक है, उसकी इंटेलिजेंसी लेवल कैसा है, मतलब आईक्यू लेवल कैसा है, तो ये सब सभी चीज उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो वो क्या है, किसी भी शिक्षण, बालक शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया का आधार है, इसके लिए अभाव में, इसके अभाव में अधिगम की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, मतलब बच्चे के अंदर अगर ये चीजें ना हो, ठीक है। सीखने का समय, सीखने का समय तथा अवधि देखिए। यदि छात्र अधिक समय तक किसी क्रिया को करता रहता है तो थकान का अनुभव करने लगता है, और थकान अनुभव होने से अधिगम प्रक्रिया में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जैसे अब ये पीडीएफ इतनी बड़ी है कि भाई शिक्षक की भूमिका भी आएगी इसमें, अधिगम जो अक्षमता है उसके अंदर शिक्षक की भूमिका क्या है, बच्चे को सिखाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है,
तो आज हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा लंबे समय तक इसकी अवधि बढ़ा दी जाएगी तो क्या है, आप भी क्या हो जाओगे, थकान महसूस करोगे, स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। विद्यालयों में समय चक्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पहले कठिन विषय तथा बाद में सरल विषय पढ़ाए जाएं। मध्यांतर की भी व्यवस्था इसी उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, सीखने की विधि देखिए। सीखने के लिए अधिगमकर्ता ने किस विधि का उपयोग किया है, किस टेक्निक से सिखा रहा है, इस पर सीखना निर्भर करता है। सीखने की अनेक विधियां हैं, जैसे सबसे पहले हमने फर्स्ट पेपर में पढ़ा था, सिर्फ हम आपको सैद्धांतिक ज्ञान ही देते रहे, थ्योरी पढ़ाते रहे, ठीक है, कोई एक्टिविटी ना करवाए, आपको करके सीखने का मौका ही ना मिले तो क्या होगा, आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, सीखने के अनेक विधियां, जैसे संपूर्ण विषय वस्तु का एक बार में सीखना, संपूर्ण विषय वस्तु को अंशों में विभाजित करके सीखना, मतलब टुकड़ों में तोड़कर सीखना, विषय वस्तु को रट कर सीखना या फिर समझ कर सीखना, यह क्या शिक्षण विधियां हैं। यदि विद्यार्थी रटने के स्थान पर समझ कर सीखता है तो वह जल्दी सीखता है तथा वह ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है, परमानेंट होता है। फिर नशीली वस्तुएं, यह धारणा निर्मूल है कि नशीली वस्तुएं सीखने की योग्यता को बढ़ा देती हैं, कुछ काल तक उत्तेजना देने में सफल हो जाती है, परंतु सीखने की योग्यता स्थायी रूप से उसके द्वारा नहीं बढ़ सकती है, अपितु ये मानसिक विकार में बाधा उत्पन्न करती है। मतलब कई चीज होती है, हम सोचते हैं मेमोरी लेवल हमारा जो याद करने की क्षमता है हमारे अंदर बढ़ जाएगी, ऐसी दवाई हम ले लें, पर वो क्या है, एक समय तक ही असर करती है, बाद में वो क्या करती है, मानसिक विकार उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है। आदतें देखिए, अधिगमकर्ता की अच्छी आदतें सीखने में सहायक होती हैं, ये बुरी आदतें सीखने की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करती हैं। कि भाई एक बच्चा है, उसके अंदर बहुत बुरी आदत है कि वो बोलता बहुत ज्यादा है, या चंचलता उसके अंदर बहुत ज्यादा है, एक लिमिट से भी ज्यादा है, तो वो क्या होगा भाई, ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहेगा, और वो क्या होगा, किसी चीज को समझने की कोशिश नहीं करते ऐसे बच्चे। अध्यापक को चाहिए कि वे बालकों को नियम, संयम, सादगी व उच्च विचारों व आदर्शों का जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दें। ठीक है, ये थी आज का हमारा टॉपिक, और ये हम कल करेंगे इसको कंप्लीट।